गन्नौर नगर पालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी के समर्थन में कुरुक्षेत्र से सांसद ने भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी के पक्ष में भारी बहुमत से जिताने की अपील की। सांसद नायब सैनी ने कहा, निकाय चुनाव को लेकर गन्नौर के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। भाजपा प्रत्याशी अरुण त्यागी ने कहा कि कोरोना काल में जब हर कोई प्रभावित था, तब भाजपा कार्यकर्ता अरुण त्यागी ने लोगों की सेवा की। अरुण त्यागी ने कहा, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा, नगरपालिका में भाजपा के चेयरमैन बनने के बाद शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। अरुण त्यागी ने कहा, शहर की जनता के लिए एक मौका, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूंगा, जो उनकी पूर्व नीति के कारण हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, उनके सहयोग से जिस प्रकार से राज्यसभा के एक भारतीय जनता पार्टी का कृष्ण कुमार जी वो राज्यसभा सांसद चुने गए, और दूसरे जो आजाद कार्तिक शर्मा जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी प्राप्त था और समर्थन से वो राज्यसभा सांसद चुने गए, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनता पार्टी की एक ही सोच है, इन 8 वर्षों में आप लोगों ने देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला, और उसी बदलाव के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इसलिए मेहनत करता है कि हमने लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, हमने क्षेत्र का विकास करना है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता इसलिए मेहनत करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार करना है। दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के बल के ऊपर, कामों के दम के ऊपर लोगों के बीच में जा रही है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सांसद जी का, विधायक जी का, जो उन्होंने भाजपा के एक आम कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया मेरी सेवाओं को देखते हुए। और मैं गन्नौर की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मुझे भारी मतों से जिताएंगे तो मैं गन्नौर का चौमुखी विकास। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।